बच्चा लग रहा है भाई तुम सच। अभी 73 में ही चला रहा हूँ भाई, 100 टच करूंगा तो साला कहाँ उड़ जाऊंगा। ओ भाई ओ तेरी माँ का क्या ही पावर है भाई, तेरी माँ का। 17 एज है अभी और 390 है भाई के पास, देख लो। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज संडे है और अपना यहाँ का मार्केट है, तो मैं अभी जा रहा हूँ राउरकेला। तो राउरकेला जा रहे हैं तो एक भाई से भी मिल लेंगे राउरकेला में। इसी वजह से एक्सीडेंट होता है भाई, बीच में जानवर वगैरह आ जाता है ना साले, इसी वजह से एक्सीडेंट होता है सांड साला। तो बहुत ज़्यादा स्पीड में रहोगे तो थोड़ी ना ब्रेक मार पाओगे, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाओगे बाइक को। 100 प्लस रहोगे तो ऐसे बीच में अचानक आ जाएगा जानवर, फिर क्या ही करोगे, जितना भी रोक लो वो एक जगह पे नहीं रुकेगा भाई, वो स्लिप होगा ही होगा, इसीलिए थोड़ा डर लगता है रोड में चलने के लिए। आप अपना जगह में सही चल रहे हो तो, लेकिन लोग हैं या फिर जानवर है या फिर गाड़ी, वही है वही लोग जो हैं बीच में आ जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है और गलती होता है खुद का, तो क्यों इतना स्पीड में चला रहा था बोलेंगे। हाईवे रोड है, खाली है, थोड़ा स्पीड तो भगाएंगे ही ना, ऐसे नहीं कि 50 के स्पीड पे चलेंगे। सो गाइस, मैं पहुंच गया हूँ राउरकेला और अभी जा रहा हूँ झीरपानी वो ब्रिज तरफ ना। झीरपानी से एक बंदा है, झीरपानी उधर रहता है नदी उस पार, तो उसको बुलाए हैं, मिलेंगे बोल के बोल रहा था, मैसेज किया था मेरे को, राउरकेला आओगे तो मिलोगे, मिलेंगे बोल के। तो मैं मैसेज कर दिया था आज राउरकेला आ रहा हूँ, आ जाना मिलने, तो मैसेज कर दिया हूँ उसको, वो अभी आता होगा और मैं पेट्रोल भरवाऊँगा। उसके बाद नीलेश भाई को भी कॉल कर दिया हूँ। तो हम पहुँच गए हैं झीरपानी ब्रिज, जो कि कोयल ब्रिज बोलते हैं इसको, अभी तो कोई भी नहीं है, धूप है ना इसीलिए कोई नहीं है। अभी थोड़ा अंधेरा होगा ना, देखना यहाँ पे पूरा ब्रिज के ऊपर पूरा लोग भर जाएंगे, लाइन लग जाएगा साइड साइड में, क्योंकि शाम को बढ़िया लगता है यहाँ पे, हवा चलता है ठंडा ठंडा। और वो भाई तो कहाँ गया, उसको कॉल करते हैं उसके बाद बुलाते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं। और नीलेश को भी यहीं पे बुलाए हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएंगे तो बोला, पहले कॉल कर लेते हैं उसको फिर बुलाते हैं। और वह कैसे? ठीक है, ठीक है। और कहाँ थे? कहाँ थे? और एक दोस्त था ना। अच्छा, दोस्त के साथ आए हो? वो दोस्त आया तो उधर काम से जा रहा था, उधर उसके साथ था। और आप कहाँ? इधर काम? मैं हाँ काम से ही आया था, वो तो हो गया तो सोचा मिल लेंगे, बोला था इसलिए। बहुत बार देखा है। हाँ, बसंती में एक बार तेरे को देखे थे। मेरा गाड़ी का कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, रुका भी नहीं पाता हूँ और कुछ। कब लिया गाड़ी? 3 महीने फरवरी 5। अच्छा, मेरे से बाद में लिया है ना, तो नवंबर में लिए थे। हाँ, पिछले साल। हाँ, देखा था वो। हाँ, इंस्टाग्राम में सर्विस वाला वीडियो आया था ना, इधर इंस्टाग्राम देखते देखते आ गया था। अच्छा, इधर से आपको जाने के? हाँ, आज भाई भाई मिले हैं, देख लो, ये 250 ड्यूक 250 और जेन 3, ये ड्यूक 390 ड्यूक 390 जेन 3। अच्छा है, अपना भी कास 390 रहता भाई, मज़ा आ जाता। कोई बात नहीं, बाइक तो बाइक ही होता है। और नीलेश भाई तो शायद नहीं आएंगे बोला,
उसका कुछ काम पड़ गया, तो नेक्स्ट राइड में देखेंगे मिलेंगे तो। हाँ चला के देखते हैं थोड़ा कैसा फील होता है। उधर आप बोले ब्रिज, इसलिए उधर पार नहीं है, उतना ही हल्का है ना, उतना ही हल्का है, थोड़ा हैवी फील हो रहा है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है क्या? एनटीसी हाँ ये तो। नहीं नहीं ट्रैक्शन, अच्छा हाँ है, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल है। हाँ हाँ अच्छा, इसमें दिया है ना, उसमें नहीं दिया है, लेकिन वो बहुत काम का चीज है ट्रैक्शन कंट्रोल तो। हाँ हाँ तो वो तो है। मतलब क्या बोलता हूँ, इधर अब गीला है ना, हाँ, तो बालू वालू है, हाँ, अचानक से थोड़ा थ्रोटल दे दिया तो टायर पर स्लिप करता है और वो रुका देता है, हाँ, कंट्रोल में आ जाता है। अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता तो पूरा गिर जाता है। तो आवाज़ थोड़ा चेंज लग रहा है कि ऐसे ही आवाज़, स्टार्टिंग से ऐसे ही आवाज़ है। अच्छा इसका थोड़ा अलग ही आवाज़ है, इसका साउंड थोड़ा अलग ही लग रहा है मेरे को 390 का। तो गाइस फर्स्ट राइड 390 भाई का, चला लेते हैं थोड़ा। ओ भाई खतरनाक लग रहा है वे, पूरा हैवी फील हो रहा है थोड़ा चलाने में, मज़ा आ रहा है। ओ भाई पावर महसूस हो रहा है इसमें, क्या ही तगड़ा पावर होगा, शायद पावर महसूस हो रहा है इसमें खतरनाक। मतलब भाई साहब काश अपने पास भी होता 390 से प्यार है भाई, लेकिन जो भी मिला है उसी से खुश रहना है। ज़्यादा उम्मीद रखने से भी अच्छा नहीं है, वो तो बाद में भी होगा धीरे धीरे लेने से। थोड़ा हाईवे में चलाने के लिए मिलता ना और मज़ा आ जाता। बोल के देखेंगे भाई को और पूछेंगे भाई को कि उसका एज क्या हो रहा है। मतलब वे शौक ढूँ कि साला बच्चा, मतलब इतना कम उम्र में कैसे मिल गया इसको 390, मेरे को मिलना चाहिए था भाई 390। अभी कहाँ, उधर ही जाएगा क्या, उधर ही जाएगा? आपसे ही मिलने के लिए आया हूँ। अच्छा थोड़ा चला के देखता हाईवे में कैसे भागता है, जाएंगे क्या? चलो चलो फिर, तुम उसको चला, मेरे को उधर देना हुआ। हाँ उधर फिलअप कर लेंगे ना। हाँ ठीक है चल। तो अभी जा रहे हैं हम थोड़ा हाईवे में, भगा के देखेंगे कैसा, मतलब पावर कैसा है इसका 390 का, थोड़ा महसूस करना चाहता हूँ मैं भी 390 का पावर। उसके बाद फिर दोबारा इधर आएंगे तो फ्यूल अप करेंगे, बोल रहा है हैरिस। तो चलते हैं फ्यूल अप कर लेते हैं, हम तो कर दिए फ्यूल अप आने का टाइम, तो वो फ्यूल अप करेगा उसके बाद। अब भाई बेटा ब्रिज हिल रहा है, चल आज थोड़ा ऐसा लग रहा है, मतलब भाई एक मिल गए हैं बहुत दिन के बाद। तो ड्यूक 390 या ड्यूक 250 मज़ा सा ही आ रहा है वैसे तो, चल आ गया कि चल। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, तो थोड़ा सब्र करके देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो व्हील कवर भी लगाया हुआ है पीछे, खतरनाक दिख रहा है, लेकिन 390। हम सोच रहे थे शोरूम में जाके टेस्ट राइड मांगेंगे, मतलब टेस्ट राइड करके देखेंगे शोरूम जाएंगे तो 390 को, बोल के सोच रहे थे, लेकिन
शोरूम ऐसा जगह में है कि वहाँ पे सही से टेस्ट राइड नहीं ले सकते, और ट्रैफिक भी है बहुत, तो इसलिए आज नसीब आज मेरा अच्छा है कि ये भाई के पास 390 है और मेरे को थोड़ा इसको टेस्ट करने के लिए मौका भी मिल जाएगा। तो अभी हम जाएंगे हाईवे तरफ, थोड़ा टेस्ट करेंगे, उसके बाद दोबारा इधर आएंगे। भाई साहब सच में भाई, मतलब क्या ही बोलूं भाई, अगर तुम वीडियो देख रहे तो गुस्सा मत करना, लेकिन मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ कि मतलब बच्चा लग रहा है भाई तुम, सच में बच्चा लग रहा है तेरे को, मतलब 390 कैसे मिल गया है ये सोच के मेरे को ताज्जुब हो रहा है। मतलब बाइक मेरे जैसा आदमी के लिए वो बाइक थोड़ा अच्छा है, मतलब थोड़ा मैं बड़ा हूँ, लंबा हूँ और थोड़ा हैवी हुई हूँ ना, थोड़ा हट्टा कट्टा हूँ, तो थोड़ा सूट करता हूँ मैं इससे बाइक पे। लेकिन इसका हाइट थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम है, फिर भी ये चला ले रहा है, देख सकते हैं गाइस। तो कोई मुश्किल काम नहीं है बाइक चलाना, बस आपको बैलेंस करना आना चाहिए। इसका तो पैर भी नहीं पहुंचता होगा शायद, तो उधर हम देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे भाई अगर ये तुम वीडियो देख रहे तो गुस्सा मत करना, मैं थोड़ा यहाँ पे रुक, यहाँ पे। तो अभी हम स्विच करेंगे बाइक, उसके बाद हम जाएंगे वो एयरपोर्ट तरफ जाएंगे, थोड़ा टेस्ट करने के लिए बाइक को कितना पावर है। हाँ फुल पावर मोड, फुल पावर में चलाओगे? मेरे को पूछ रहा है। हाँ फुल पावर करना, कैसा पावर है थोड़ा देखूंगा मैं भी। रेड मोड, ये रेन मोड सबसे लो पावर वाला मोड है। फुल पावर कौन सा, ट्रैक में ना? अच्छा रोड में थोड़ा मीडियम आता है ना? स्ट्रीट में। अच्छा स्ट्रीट में। चल तो स्विच कर चुके हैं हम बाइक, 390 पे आ चुके हैं और अपना 250 चलाएगा। साउंड इसका थोड़ा अलग ही है भाई, और थोड़ा हैवी भी लग रहा है मेरे को। हैवी मतलब वो वेट का, वेट से हैवी नहीं, थोड़ा दिखने में ही हैवी महसूस हो रहा है मेरे को हैवी। तो हम एयरपोर्ट जाएंगे, वहाँ पे टेस्ट करेंगे इसको। यहाँ पे तो थोड़ा ट्रैफिक है, आदमी लोग सब हैं, जाम है थोड़ा, तो यहाँ पे नहीं भगा सकते। और दूसरों का भाई को थोड़ा रिस्की है भगाना, क्योंकि कुछ हो गया तो फिर भरना पड़ेगा मेरे को। तो देख सकते हैं 250। ओ भाई साहब खतरनाक पावर रे, वहाँ कसम। खतरनाक पावर है भाई, महसूस हो रहा है अभी से। अभी 73 में ही चला रहा हूँ भाई, 100 टच करूँगा तो साला कहाँ उड़ जाऊँगा। जितना भी अभी मैं बाइक चला रहा हूँ वो सब मेरा फर्स्ट टाइम ही है, मैं कभी ऐसे चलाया नहीं हूँ बाइक। अपना जो N160 था वो भी फर्स्ट था, अभी ड्यूक 250 Gen 3 वो भी फर्स्ट है, फिर R15M जो अंकित का चलाया था वो भी फर्स्ट है, फिर R15 V3 चलाया था वो भी फर्स्ट है, फिर ये 390 आज चला रहा हूँ ये भी मेरा फर्स्ट है। तो सारा जितना भी बाइक चलाया हूँ मेरा फर्स्ट ही है। तो बाइक चलाने के, बाइक आपके पास अगर स्पोर्ट्स बाइक रहता है तो तभी जाके बहुत सारे दोस्त बनते हैं बाइकर दोस्त, तो उसी हिसाब से बाइक भी चलाने को मिलता है दोस्त वगैरह का। तो आज ये अपने को मिला है, मैं बहुत खुश नसीब अपने आप को फील कर रहा हूँ
कि भाई ने मेरे को चलाने के लिए दिया, तो थैंक्स ब्रो उसके लिए। तो अभी यहाँ पे भगा के देखेंगे। उधर मैं सुन मैं भगा के देख रहा हूँ, हुआ तुम पीछे पीछे आना हुआ। वोट तेरी की कार। ओ भाई साहब, यही पावर है भाई। ओ भाई साहब, खतरनाक भाई। काश अपने पास 390 होता, अभी मजा ही आ जाता। भाई साहब ज्यादा तो नहीं भागा पाया क्योंकि रोड थोड़ा छोटा है, छोटा पड़ गया रोड, और थोड़ा हाईवे रहता तो और मजा आ जाता। तो ज़्यादा नहीं, 130 के अंदर ही भगा पाया। बहुत खतरनाक पावर है लेकिन इसमें, लेकिन पूरा स्मूथ है चलने में। हाँ स्मूथ तो है, स्मूथ लगा। ये थोड़ा रफ इंजन है जैसे लगा मेरे को वैसे। हाँ तो वैसे तो लगा मेरे को भी, मैं तेरे को बोला ना थोड़ा अलग फील हो रहा है बोल के। ये पूरा मतलब क्या बोल, पूरा मक्खन की तरह चलता है ये। मजा आ गया लेकिन 390 भागा के। इसका पावर है ना। हाँ पावर तो है, फील हुआ लेकिन पावर। लेकिन ये इंजन को मक्खन की तरह चल रहा है सिटी में। तुम यहीं पे रुको, मैं और एक राउंड मार के आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो और एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा सुन, तो ये क्या बोलते हैं स्ट्रीट मोड में कर। तो स्ट्रीट मोड, हाँ स्ट्रीट मोड भी ट्राई करके देखते हैं सेकंड में, उसके बाद राइड मोड। हाँ उसके बाद और एक बार फिर ये स्ट्रीट मोड हो गया ना। कहाँ पे दिखाता है? हाँ? अच्छा ये ना, हाँ एनिमेशन भी चेंज हुआ ना अभी। अच्छा वैसे क्या, हाँ। ट्रैक का अलग रहता है ना? अलग रहता है। ठीक है मैं राउंड मार के आ रहा हूँ। और क्राउंड मार के आते हैं। ओ भाई ऐड तेरी वहां का। ₹146 तक ही भगा पाया भाई, उससे ज़्यादा नहीं भगा पाया। अभी और एक राउंड इधर से। थोड़ा लंबा रोड चाहिए भाई इसके लिए, ऐसे में नहीं होगा। हाईवे रोड में और मजा आता भागने में। चल उधर जाते हैं, उधर जाते हैं चल। इसके लिए हाईवे रोड चाहिए, खाली रोड। हाईवे रोड में हो जाता लेकिन, मतलब टॉप स्पीड टेस्ट करने के लिए हो जाता हाईवे में।
तो तीन राउंड हो गया मेरा, लेकिन 150 नहीं पहुंच पाया भाई। इतना खतरनाक पावर है ना वहाँ, कसम मज़ा आ गया भाई। भाई साहब ये मेरा रियल एक्सप्रेस, क्या बोलते हैं उसको, ये मेरा रियल रिएक्शन है। ये 390 के ऊपर, ये कोई फेक नहीं है भाई। मैं जो भी बाइक चला रहा हूँ सब मेरा फर्स्ट ही है। तो इधर इधर भाई सब सच में मज़ा आ गया। लेकिन चला के थोड़ा इंजन, थोड़ा इसका पावर थोड़ा अलग है। कितना तक भगाया है? 160। हाँ हाईवे में। अच्छा हाईवे, ये 160 के ऊपर भी जाता है ना? हाँ जाता है, लेकिन उससे हाईवे में उधर पूरा खत्म हो गया है। अच्छा, वो स्ट्रेट लो, स्ट्रेट रोड लाठी कटा के। हाँ उधर। हाँ तो भाई 390 पहली बार चला के मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया 390। तो एक बार दोनों को साथ में खड़ा करके देखते हैं। भाई भाई आज मिले हुए हैं छोटा भाई बड़ा भाई, ये है छोटा भाई बड़ा भाई रियल वाला। अभी ठीक है, अभी देख सकते पूरा मैच कर रहा है। छोड़, ये बड़ा भाई ये छोटा भाई, धासु लग रहा है। एक फोटो ले लेते हैं। कह रहे कितना एज हो रहा है तेरा? 17। सच में? अरे भाई साहब 17 में देखो भाई 390 में घूम रहा है भाई अपना मानना पड़ेगा भाई 17 एज है अभी और 390 है भाई के पास। देख लो मेरे पास होना चाहिए था 390 हाँ छोटा भाई है, मतलब मैं ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। मेरे पास 390 होना चाहिए था। हम पहुँच गए हैं ब्रिज पे और मेरा गोप्रो का बैटरी भी डेड होने वाला है, 7% बचा है। तो अभी भाई से हम भाई, इतना भीड़ नदी में देख सकते हैं कितना ज़्यादा लोग हैं भाई, एंजॉय कर रहे हैं ना। ठीक है निकलते हैं फिर, अब मेरा चार्ज भी ख़त्म होने वाला है। तो गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करना और शेयर करना। ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था 390 चलाया, बहुत मज़ा आया। तो चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और भाई को फॉलो कर लेना, यहाँ पे उनका इंस्टा आईडी 390 हैरिस 390 फॉलो कर लेना। और मेरा तो पता ही है रॉड रॉकेट 64। ठीक है फिर मिलेंगे, फिर अभी तो मिलते रहेंगे। तो बाय गाइस, मिलते हैं।